फर्जी गोल्ड लोन कराने वाले चार सदस्य गिरफ्तार। उनके कब्जे से 9 चैन, 8 चूड़ी, पीली धातु की कीमत लगभग 12 लाख रुपए और 4,500 रुपए नकद बरामद। दिनांक 11 जनवरी 2024 को वादी सोनू मौर्या पुत्र घुरहू मौर्या निवासी तेजपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र की दिनांक 6 12 2023 को बैंक में खाता खुलवाकर नकली सोना बैंक को देकर गोल्ड लोन कराया गया। इसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 29/24 धारा 406 420 भारतीय दंड विधान थाना कोतवाली आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। दिनांक 9 जनवरी 2024 को वादिनी विमला देवी पत्नी उदय प्रताप सिंह निवासी ग्राम डीलिया थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 23 12 2023 को आरोपी द्वारा बहला फुसला कर गोल्ड लोन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 3,60,000 रुपया निकलवा लिया गया, जिसके संबंध में थाना मुबारकपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 9/2024 धारा 386 भारतीय दंड विधान थाना मुबारकपुर पंजीकृत किया गया। दिनांक 2/1/2024 को वादी रोहित कुमार सिन्हा पुत्र अमरेंद्र कुमार सिन्हा निवासी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कंदरापुर थाना कंदरापुर आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 30/11/2023 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा मधुबन थाना कंदरापुर जनपद आजमगढ़ में गोल्ड लोन रीढ़ी शशिकला पत्नी राजेंद्र कुमार निवासी गुलौर थाना मुबारकपुर द्वारा फर्जी स्वर्ण आभूषणों की प्रतिभूति कर ऋण प्राप्त किया गया। इसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 1/24 धारा 420 भारतीय दंड विधान थाना कंदरापुर पंजीकृत किया गया। दिनांक 12/1/2024 को वादिनी गोल्ड लोन रीढ़ी शशिकला पत्नी राजेंद्र कुमार निवासी गुलौर थाना मुबारकपुर द्वारा वादिनी को पैसा देने के नाम पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कंदरापुर शाखा मधुबन जनपद आजमगढ़ में ले जाकर बैंक फार्म में धोखे से हस्ताक्षर बनवाकर गोल्ड लोन लेने पर वादिनी के खाते से 4,15,500 रुपया निकलवा कर ले लिया गया। इसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 12/24 धारा 420 406 भारतीय दंड विधान थाना कंदरापुर दर्ज है, विवेचना प्रचलित है। घटना का अनावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीम गठित की गई थी। इसी क्रम में दिनांक 15/1/2024 को उप निरीक्षक संजय सिंह, उप निरीक्षक सुरेश सिंह मैं हमराह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, उप निरीक्षक लाल बहादुर बिंद्र मैं हमराह थाना कोतवाली आजमगढ़ और स्वाट सर्विलांस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 4 नफर वांछित अभियुक्त राजाराम तिवारी पुत्र चंद्रिका प्रसाद तिवारी निवासी पलटी जोत थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती उम्र 43 वर्ष, विजय प्रताप वर्मा पुत्र चंद्रिका प्रसाद निवासी परसाहवा बैजलपुर थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती उम्र 34 वर्ष, रमेश कुमार वर्मा पुत्र तिलकराम वर्मा निवासी मिश्रौलिया धीरा थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती उम्र 35 साल और सुनील कुमार वर्मा उर्फ पप्पू सोनार पुत्र स्वर्गीय बब्बन प्रसाद निवासी जापलीगंज थाना कोतवाली जनपद बलिया उम्र 50 वर्ष के कब्जे से 8 अदद सोने के कंगन, 9 अदद सोने की चैन और 4,500 रुपया बरामद करके मैदास बाबा मंदिर के पास आइनिया सड़क के पास से लगभग रात के 9:40 पर नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि साहब हम लोगों का एक गिरोह है, हम सभी लोग जनता के सीधे साधे लोगों को फंसाकर बैंक में ले जाकर उनका खाता खुलवाकर उनको 20-25 हज़ार रुपया देने का लालच देकर उनके नाम से बैंक में गोल्ड लोन स्वीकृत कराते हैं और उसी दिन स्वीकृत गोल्ड लोन का सारा पैसा निकाल कर हम सभी लोग आपस में बांट लेते हैं। सोना खरीदने के लिए पैसा राजाराम तिवारी उपलब्ध कराते हैं, इसके पश्चात उसी पैसे से हम लोग सोने के बने जेवरात सुनील कुमार वर्मा उर्फ पप्पू सुनार से लोन वाला सोना कहकर ले लेते हैं। हम लोगों के द्वारा अब तक वासुदेव मेहरा गाजियाबाद से 1,90,000 का लोन, इंडियन ओवरसीज बैंक पटपड़गंज इंडियन बैंक बस्ती 3,50,000 का लोन, केनरा बैंक खलीलाबाद संत कबीर नगर 3,50,000, बैंक ऑफ इंडिया खलीलाबाद बस्ती से 75,000, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लक्ष्मीरामपुर 2,50,000, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुबारकपुर 3,60,000, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कंदरापुर 4,15,000 रुपए का लोन लिया है और लेने के बाद 15-20 हज़ार रुपया देकर लोनी के खाते से सारा पैसा निकाल कर आपस में बांट लेते हैं। पूछताछ पर यह भी बताया कि हम सभी लोग मिलकर दिल्ली जनपद बस्ती आजमगढ़ संत कबीर नगर आदि स्थान पर अपराध करते हैं। लोन लेने वाले के लिए गिरवी रखने वाला सोना सुनील कुमार वर्मा उर्फ पप्पू सोनार जनपद बलिया से खरीदते हैं, उनके यहाँ जाकर लोन वाला सोना कहकर हम सभी लोग सोने के जेवरात खरीद कर ले आते हैं। इस संबंध में सहायक पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उक्त प्रकरण में 4 मुकदमे लिखे गए थे, जिसमें एक मुबारकपुर में था, 2 कंदरापुर में थे और 1 कोतवाली में था। इस प्रकरण में पता चला कि एक पूरा गैंग था जो गोल्ड लोन स्कैम कर रहा था।
जिसमें कल ही की दिनांक में 4 लोग गिरफ्तार हुए, विजय प्रताप वर्मा, राजाराम तिवारी, रमेश कुमार वर्मा और सुनील कुमार वर्मा। इसके पूर्व भी 2 लोग, राजन सिंह और मनीष सिंह, 9 जनवरी को गिरफ्तार होकर जेल गए थे। इस पूरे गोल्ड लोन के प्रकरण में करीब 5 बैंक, 7 बैंक के ब्रांच और 4 डिस्ट्रिक्ट यूपी के और 1 दिल्ली के, तो ये पूरा मिला के करीब करीब 19,45,000 का स्कैम था जो अभी तक पता चला है, और बाकी विवेचना का पार्ट है, आगे भी पता चलेगा। तो सर, कैसे मॉडस ऑपरेंडी इनकी क्या थी, किस तरह से लोगों को गुमराह करते थे? इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये लोग बलिया से गोल्ड लाते थे, वहाँ पे एक सुनार थे सुनील कुमार वर्मा, उनसे गोल्ड लाया जाता था और उस गोल्ड के एवज में अपने आसपास वाले या जो भी इनके गरीब और लाचार व्यक्ति थे उनका अकाउंट खुलवाया जाता था। उस अकाउंट में जो भी लोन प्राप्त होता था एसिस के द्वारा, वैल्यूअर जो भी उनको अप्रूव करवाते थे, उस गोल्ड के अमाउंट को निकाल लिया जाता था और जो अभियुक्त थे वो गोल्ड का अमाउंट ले जाते थे और कुछ कमीशन जो बीच वाले हैं उन्हें दे देते थे कि आपके नाम पे गोल्ड लोन हो रहा है। तो ये फेक रहता था, जो गोल्ड ले जाते थे बैंक कैसे उसको अप्रूव करता था? बैंक का अपना एक अप्रेजल का तरीका है, वो अपने हिसाब से सुनार के थ्रू जो भी अप्रूवर कराते हैं, वो भी विवेचना का पार्ट है, उसमें और चीजें भी पता चली। तो ये लोग कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं, लोग पकड़े गए 4 लोग? ज्यादातर लोग बस्ती के रहने वाले हैं, वहीं के सब मूल निवासी हैं। बैंक के कर्मचारियों की या अधिकारियों की क्या भूमिका रही, किस तरह से अप्रूव कर देते थे भाई बिना किसी जानकारी के? अभी वो विवेचना का पार्ट है, वो अभी और चीज़ें समझ में आ रही हैं क्योंकि इसकी पॉलिसी पड़ी जा रही है कि किस किस का क्या क्या रूल्स थे, क्या रूल्स का वायलेशन हुआ और उस बेसिस पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, लोकल में कितने लोग इनके साथ इन्वॉल्व थे आजमगढ़ जिले के? लोकल में राजन और मनीष जो पहले जेल गए थे वो यहाँ के लोग थे, वो इन्वॉल्व थे।